Assalamualaikum viewers, welcome back to our YouTube channel. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू आर चैनल तो सब्सक्राइब आर चैनल ताकि आपको हमारे वीडियो के जी मिलते रहे नोटिफिकेशन. वैसे भी ये टोटली फ्री है तो इसको जी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें. और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे. और वीडियो का टाइटल क्या है वो आपको बताएंगी मेरी साथ वाली. लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इनके पास और उनसे पता करते हैं. जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जैसे कि इन्होंने आपको बताया है. और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. तो आपने बस सब्सक्राइब ही करना है और लाइक ही करना है तो इसको आप मत भूला करो. और आज की वीडियो को हम बाकायदा शुरू करते हैं. उसका टाइटल है सीताराम ट्रेलर, जो है वो हिंदी. ये है एक ट्रेलर है सीताराम फिल्म का और पैन स्टूडियो जो है चैनल का नाम है. चैनल पे जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. और इसी के साथ साथ आपने हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना. वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. भूत भविष्य वर्तमान काल में भी कोई नहीं है. अब कैसे ढूंढे सीता को? मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं. अगर राम मिल गए तो सीता भी मिल जाएगी. लेफ्टिनेंट राम, मद्रास रेजिमेंट, सर्विस ईयर 1965. सीता मिल गई. सीता क्या खतरनाक दिखती है, तुम्हारी माँ जैसी है. अब कुछ और बातें क्या लिख कर भेज दी हमने? कश्मीर को बर्फ के हवाले करके आ गए. सीता जी, मैं अकेला था, सोचता था ठीक है, फिर आपने खत लेकर ख्वाब दिखाए और अब वापसी का टिकट देकर जगा रही है. 1964 में भी ऐसा ही होता था क्या? सुनो सीता, बीस साल पहले उनके साथ काम कर चुके लेफ्टिनेंट राम के बारे में बात करनी है. वो कौन है, अभी कहाँ है, कहाँ से आई है? ये लेटर सीता को देना है. 20 साल हो गए ये नाम सुने. सफर में जिसका इंतजार था वो मिली या नहीं? जवाब देना चाहती हूँ पर हालात इजाजत नहीं दे रहे. मैं यहाँ इतनी दूर राम का प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने. कौन है ये राम? आज से मैं अनाथ नहीं हूं ना. तो जिसकी तलाश थी आई थिंक उनको मिल ही गया है, कुछ ना कुछ तो सुराग मिल गया है. और नहीं अभी तक शायद उन्होंने काफी मुझे लग रहा है कि दूसरा जन्म है जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, क्योंकि 20 साल पुरानी बात हो रही है ना. तो हीरो हीरोइन तो बूढ़े नहीं लग रहे. लेकिन जो यंग है वो भी इसको देख के शॉक्ड है कि हो क्या रहा है. काफी जो बातें हैं इस फिल्म में, जो तलाश है ना वो सीता और राम की है. बहुत पुरानी स्टोरी शेयर कर रहे हैं और काफी मजेदार स्टोरी लग रही है. तो कुछ खास इतनी समझ नहीं आई लेकिन देखते हैं कि आगे कहाँ जाती है स्टोरी. एक लेटर को लेकर शुरू हुई थी और कहाँ पे वो लव स्टोरी खुल गई आगे से. और काफ़ी मज़ेदार लग रही है. ओल्ड और न्यू का कोई बता रहे हैं इसके अंदर, कोई लव स्टोरी लव स्टोरी को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल. और काफ़ी मज़ेदार डायलॉग भी लग रहे हैं और सीन बहुत ही प्यारा है. बर्फ़ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है. बर्फ़ के अंदर जो ने पिक्चराइज किया है इसको, कश्मीर है ना भाई, कश्मीर तो सारी बातें बर्फ से ढका हुआ होगा. आपको बस ना मैं क्या बताऊँ, कश्मीर हो खूबसूरती ना हो उसमें, वो तो खुद ब खुद ही खूबसूरत है अपने आप में कश्मीर.
और बहुत अच्छा लगा यार टोटली देख के। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हुई, इतना प्यारा जो उन्होंने, आई थिंक ये फिल्म रिलीज हो चुकी हुई है 2 सितंबर को, तो देखते हैं इसको क्या है इसमें, क्योंकि ट्रेलर तो उसका बहुत ही जबरदस्त है। स्टोरीज की देखेंगे फर्दर क्या है, हमें ओवरऑल ये बहुत अच्छी लगी है, और क्या सीता राम मिले आपस में कि नहीं मिले, आई होप सो मिल गए होंगे, ये हो सकता है, हो सकता है। मुझे तो ये इनके जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया, जन्म जो है दूसरा जन्म लग रहा है, लेकिन भी देखेंगे कि आई गेस हम लोग ठीक हैं या नहीं है। देखते हैं जी, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जी क्या है वीडियो का अगला सीन। तो इसी के साथ अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, और हम दोनों को बहुत मज़ा आया रिएक्शन देखे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।